हाय फ्रेंड्स, दिस इज चंदन एंड इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के स्टूडेंट, जो कि एक्चुअल के स्टूडेंट हैं, उनके हिस्ट्री में एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो हिस्ट्री का जो पेपर है वो कैसे वो आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध क्या था, इसके उदय होने के क्या कारण थे तथा इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसा है जो कि एग्जाम में पक्का आता है, इसके बगैर पेपर बनता है नहीं। प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का ही आता है, चाहे तो उसके उदय के कारण पूछेगा या उसके परिणाम पूछेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध था क्या, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्लोबल वॉर हो गया आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, प्रथम विश्व युद्ध बोलते हैं, इस तरीके से नाम लिखा हुआ आपका पेपर में आ सकता है। ये कब हुआ, तो ये 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध जो होता है ख़त्म होता है। लगभग 4 वर्षों तक ये युद्ध चला, आपके लगभग 37 देश शामिल थे, दो पक्षों के बीच में हुआ, एक केंद्रीय राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। इसमें हम देखते हैं कि इसके होने के क्या कारण थे, तो कई कारण थे। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसे हम कारण लिखना चाहेंगे, जैसे बढ़ता सैन्यवाद, उपनिवेशवाद, समाचार पत्रों की नकारात्मक भूमिका, और फिर आपके आएंगे जैसे कि देशों के द्वारा जो भी इनके जैसे आपके मित्र राष्ट्र हैं और या फिर आपके केंद्रीय राष्ट्र, ये देश क्या करते हैं, आपस में गुट बनाने लगते हैं, तो गुटों के बनने के कारण, तो ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण ये युद्ध होता है। उसके परिणामों के बारे में बात करेंगे, तो इसके परिणाम क्या होंगे, प्रजातंत्र जो राज्य है आपके, उसके उदय होना, नवीन राज्यों का उदय होना, जो जर्मनी की शक्ति है उसमें कमी आना, शक्ति संतुलन सिद्धांत की समाप्ति होना, विश्व में आर्थिक महामंदी आ जाना, तो इस तरीके से पॉइंट होंगे। आपको इन पॉइंटों को अगर डीप से पढ़ना है या समझना है तो आप हमारी और भी वीडियोज़ हैं, उस वीडियो में जाकर आप समझ सकते हैंगे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध का जो कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, ताकि आपके एग्जाम में जब ये आए उसको अटेंड करें। और आपको समझना है इस वीडियो को अच्छे से, तो आप क्या है इस टॉपिक को, तो हमारी वीडियोज़ जो अवेलेबल हैं आप उसमें जाकर इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रूस की क्रांति क्या थी, इसके उदय होने के क्या कारण थे और इसके प्रभाव। इसको देखो, ये क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछता है, चाहे तो 1917 की रूस की क्रांति पूछेगा वो क्या थी, साम्यवादी क्रांति क्या थी इससे लेकर पूछता है, या फिर ये आपका 1917 की बोल्सेविक क्रांति क्या थी, इस तरीके से आपसे भी पूछता है, या आपको इस तरीके से भी पूछता है क्वेश्चन ये कि 1919 या 1920 के टाइम पर लगभग ऐसा क्या कारण था जो साम्यवाद जो है इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ, इतना तेज़ी से फैला। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा, तो आपको क्या लिखना है इस क्वेश्चन का, इस जो ये क्रांति हुई थी, ये क्रांति क्या थी। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध जब था, जो उस समय क्या था कि जो रूस है उसकी अर्थव्यवस्था ना पूरी तरीके से चौपट हो गई थी, उसकी अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण जो उसके जो वहाँ की सरकार थी वो कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रही थी। इसी कारण वहाँ पर जो लेनिन और ट्रॉट्स्की की जो वहाँ के विद्वान थे बड़े, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और क्या किया कि वहाँ पर एक क्रांति कर दी, जनक्रांति कर दी, जिसका नाम रख दिया रूस की क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति। उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं हम, फरवरी की क्रांति और आपकी एक अक्टूबर नवंबर की क्रांति। इस क्रांति दो चरणों में हुई। अब इसमें क्या होता है कि फिर ये साम्यवादी वहाँ पर शासन स्थापित होती है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको और भी समझना है तो आप हमारी और वीडियोज अवेलेबल हैं, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाके समझ सकते हैं कि क्या इसका आंसर होगा, किस तरीके से लिखना है, किस फॉर्मेट वाइज, तो ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर अवेलेबल होगी, आपको ये मिल जाएगी। तो दूसरा क्वेश्चन जो बोल्शेविक क्रांति का, ये कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको लगभग पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर आपको अगर इसका आंसर जानना है किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, तो आपको वो सेकेंड ईयर के जो फाइनल ईयर के जो आपके हिस्ट्री का जो है का, आप हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर चेक करिए, आपको सारे के सारे आंसर की वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाएगी, किस तरीके से लिखना है, क्या भूमिका बनानी, क्या निष्कर्ष लिखना है, किस तरीके से नहीं, किस तरीके से, तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो जरा हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं कि हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन होगा, किस तरीके से उसको पेपर में आएगा, तो किस तरीके से हमें उसको अटेंड करना है। प्रश्न नंबर 3, 1929 की महामंदी या आर्थिक महामंदी क्या थी, यह किन कारणों से उत्पन्न हुई और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसके क्या प्रभाव पड़े। तो हम बात कर लें 1929 की जो महामंदी थी वो क्या थी। हमने देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कारण क्या हुआ कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था और व्यापार था वो पूरा चौपट हो गया था। ज़्यादातर देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था पे विकास करने पे ध्यान दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी बात, तत्कालीन कारण जो अमेरिका था उसके जो शेयर बाजार है जिसको बोलते हैं वॉल स्ट्रीट, उसमें बड़ी तेज़ी से गिरावट आई,
उसमें बड़ी तेजी से गिरावट आने के कारण क्या है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहायता देता था उसने सहायता देना बंद कर दी, दुनिया ऋण चक्र में फंस गई, तो ये आर्थिक महामंदी दुनिया पे आ गई। तो ये कुछ कारण थे इसके। यदि आपको अच्छे से और जानना है कि और भी किस तरीके से वॉल स्ट्रीट में गिरावट आई, क्या था क्या नहीं था, इसके क्या प्रभाव होंगे, तो इसकी वीडियो हमारे जो चैनल है उस पर अवेलेबल है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या आंसर आएगा, किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, किस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम से रिगार्डिंग है और जो आपको एग्जाम में पक्का आ ही आ सकता है। प्रश्न नंबर 4, दूसरा विश्व युद्ध क्या था, इसके होने के क्या कारण थे, एक तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, या फिर इसके अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या प्रभाव पड़े। तो आपको बता दूं दूसरा विश्व युद्ध क्या था। दूसरा विश्व युद्ध जो था इसका जुड़ाव जो है वो पहले विश्व युद्ध से ही है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जो हारे हुए देश थे वो प्रतिशोध की आग में थे कि भैया हमें बदला लेना है, कैसे जब हम अपना विकास कर लेंगे हम पक्का बदला लेंगे। जैसे जर्मनी जो था वर्साय की संधि के लिए बड़ा ही ज़्यादा उसे दुखद था वो, और वो उसका बदला लेना चाहता था। तो 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है। और ये क्या था, ये दो तरफ के खेमों के बीच में था। ये दो तरह के खेमे कौन से थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में ऐसे देश थे जो कि अधिनायक तंत्र से, जैसे जर्मनी में आपका हिटलर, जो इटली था उसमें मुसोलिनी, और जो जापान था उसमें तोजो। इन तीन देशों ने मिलकर क्या किया, यह युद्ध किन कारणों से हुआ, तो ये युद्ध जो था दूसरा विश्व युद्ध, ये जो जर्मनी ने पोलैंड पर आपका हमला कर दिया, और उस पर हमला करने के बाद आपका जो ब्रिटेन था वो धीरे धीरे आया युद्ध में, फिर धीरे धीरे उनके साथ जो मित्र उनके दोस्त देश थे वो सारे देश धीरे धीरे इसमें शामिल होने शुरू हो गए। इस तरीके से तो ये युद्ध शुरू हो जाता है। आपको अगर और कारण इसके जानने हैं तो आप हमारे वीडियोज़ पर जाकर देख सकते हैं कि क्या कारण होंगे, किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। तो इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन आता है, जो मैंने इसी के अंदर कहा था कि आपका परिणाम कहा, तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होता है, अमेरिका का कब्जा हो जाता है, वो तो दो देश बन जाते हैं वैसे तो, सोवियत संघ और अमेरिका, शीत युद्ध शुरू हो जाता है उनके बीच में, गुटनिरपेक्षता का उदय होता है, नए नए देश बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसके ये परिणाम कुछ आपके निकल के सामने आते हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के जरिए बारे में बात करें कि क्या वो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो पेपर में आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। तो हम बात करते हैं हमारे जो अगला क्वेश्चन है उसके अगले क्वेश्चन में कि क्या होगा कि शीत युद्ध क्या था, इससे शीत युद्ध को आप क्या समझते हो, क्या होता है शीत युद्ध, और इसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसको कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो शीत युद्ध है वो क्या है। तो शीत युद्ध जो है कि सोवियत संघ और अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दो बड़ी महाशक्तियाँ बन के उभरी। इन दोनों के जो संबंध थे, इन दोनों की एक दूसरे के प्रति जो रवैया था, एक दूसरे के प्रति जो मतभेद थे, जो लड़ाई नहीं हो रहा था लेकिन तनाव प्रतिबंध बना हुआ था, ऐसी स्थिति को हमने शीत युद्ध कहा। इसने दूसरे विश्व युद्ध को आपको किस प्रकार प्रभावित किया, जरा इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हो गया, दो गुटों में बट गया, अमेरिका एकमात्र शक्ति बनकर उभर गया और जो दूसरे जो देश होंगे वो गुटनिरपेक्षता की तरफ जाते हैं। या फिर इस शीत युद्ध के काल के दौरान हम कई बार ही ऐसा देखते हैं कि दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने आती है, और इस काल के अंदर जो हमारी यूएनओ है वो भी हमें ज़्यादा खास अपनी भूमिका निभाती हुई दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यदि आपको इसका आंसर देखना हो तो हमारे चैनल पे इसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिगार्डिंग से क्या हो सकता है, ज़रा इसके बारे में हम बात कर लें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। प्रश्न नंबर 6, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे और ये दूसरे विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक उत्तरदायी रहता है। तो अब ये जर्मनी में नाजीवाद क्या था, तो जर्मनी जो था प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था और हारने के कारण इस पर वर्साय की संधि थोपी गई और युद्ध के लिए इसी को जिम्मेदार ठहराया गया। उस वर्साय की संधि इतनी कठोर थी कि जर्मनी का पूरी तरीके से आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से सर्वनाश हो गया, उसके सारे उपनिवेश वगैरह छिन गए। तो वो प्रतिशोध की याद में जल रहा था कि भैया कैसे मुझे बदला लेना है।
तो इसी के लिए वहाँ पर अब कुछ समय बाद हम देखते हैं जर्मनी में एक शासक उभर के आता है जिसका नाम है आपका एडॉल्फ हिटलर। हिटलर जो होता है वो एक अपनी एक राजनीतिक पार्टी का गठन करता है जिसका नाम होता है नाज़ीवाद। अब वो नाज़ीवाद विचारधारा को आगे बढ़ाता है और वो क्या करता है कि वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ चुनाव जीत जाते हैं और धीरे धीरे उसका प्रभाव ना अपना प्रभाव उसे जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि दूसरे देशों में और जगह पर भी वो अपना कब्जा करते धीरे धीरे चला जाता है। इस कारण से दुनिया के और देशों में भी हम देखते हैं कि जर्मनी का जो प्रभाव होता है वो होने लगता है। और जैसे ही जर्मनी आपका पोलैंड पे हमला करता है उसके बाद आपका दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर नाज़ीवाद दूसरे विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जरा उसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, वर्साय की संधि क्या थी, इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। तो जैसा कि अभी हमने बात करी कि जर्मनी में युद्ध के कारण वर्साय की संधि टूटी गई, उसको सैनिक रूप से रुष्ट कर दिया गया था, सैनिक उसके तय कर दिए कि भाई वो सैनिक ज़्यादा नहीं रह सकता, जितने भी उसके हथियार थे या तो उन मित्र राष्ट्रों ने ले लिए या फिर उसे नष्ट करने के लिए कहा गया, और तो और उसके जो इतने उपनिवेश थे वो तक छीन लिए, युद्ध में जितना खर्च आया उसे खर्च लेने की बात कही। तो इस तरीके से जर्मनी के ऊपर पूरी की पूरी वर्साय की संधि थोपी गई। ये क्वेश्चन जर्मनी पे था। ये 1919 में जो आपका पेरिस शांति सम्मेलन होता है, वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति, वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो पहले आपका लीग ऑफ नेशन के रूप में था उसकी नींव रखने के लिए हम एक अंतर्राष्ट्रीय जगत की निर्माण करते हैं, तो उसमें ये बात रखी गई। लेकिन कभी भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने इस बात का समर्थन नहीं किया कि वो वर्साय की संधि जर्मनी पर थोपी जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्या है कि इसकी वीडियो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकता से आप क्या समझते हैं, यह या इसका साम्राज्यवाद से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ावा देता है। तो आधुनिकता जैसा कि आप जानते हो मॉडर्नाइजेशन है, ये क्या करता है कि आज के समय में बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो तकनीकें हैं वो दूसरे देशों के साथ साझा कर रहे हैं। साझा करने के कारण क्या हो रहा है कि वो उनको उन नियमों को, कुछ ऐसे नियमों को मानने को कहते हैं जो उनको मानने पड़ते हैं, और उस देशों पर क्या धीरे धीरे करके आपका जो बड़ी देश है उसका कब्जा होने लगता है। फॉर एग्जांपल यदि हम देखते हैं कि अमेरिका, उसने पाकिस्तान की मदद करी, तो पाकिस्तान कोई भी अपनी विदेश नीति बनाता है तो उसमें अमेरिका की बातों को ध्यान में रखता है, या चीन भी उसकी मदद करता है तो चीन भी हम उसमें देखते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके से साम्राज्यवाद, कैसे गुलाम बनाया जाता है इस प्रथा को भी, या फिर एक दूसरे पे कैसे कब्जा किया जाता है, इसको आज भी बढ़ावा देता है। आधुनिकीकरण आज युद्ध के मामले से हम देखते हैं कि नहीं होता कि किसी को युद्ध में हम परास्त कर देते हैं और उसके बाद वहाँ कब्जा करते हैं। आजकल आर्थिक रूप से ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र संघ क्या था, जिसे हम लीग ऑफ नेशन भी कहते हैं, इसकी असफलता के क्या कारण थे। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वुड्रो विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ का प्रस्ताव रखा गया ताकि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था बन सके, एक ऐसी संस्था का निर्माण हो सके जो क्या करे कि दोबारा युद्ध को ना होने दे। लेकिन देखते हैं हम कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है और राष्ट्र संघ जो है वो क्या है कि असफल होता है। तो इसकी असफलता के क्या कारण थे, तो सबसे पहला कारण ये था कि अमेरिका जैसे देश, बड़े देश, उसका इसको असहयोग, वो इसमें शामिल नहीं होते, या फिर धीरे धीरे देश इसके सदस्य छोड़ने लगते हैं, इसकी जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, ये अगर कोई भी नियम इसमें लागू करने होते हैं तो इसमें सबकी अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और इसका आर्थिक अपना कोई ढांचा भी नहीं होता क्योंकि इसको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस कारण से बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण जो राष्ट्र संघ है वो असफल होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर में ज़रूर ज़रूर आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, जरा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, मतलब जो वर्साय की संधि थी वो क्या थी उसकी आलोचना करनी है। आलोचना करने में हमने देखा कि जो जर्मनी था, जर्मनी के ऊपर हमने युद्ध की पूरी जिम्मेदारी थोप दी कि भाई वही जिम्मेदार था और उससे खर्च भी लिया गया। तो जर्मनी का जो पक्ष था, जो वर्साय की संधि थी, वो उसकी बुराई करता है, आलोचना करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी संधि उस पर थोपी गई जो कि एक विश्वास से अलग है। तो कुछ लोग इसकी आलोचना इस बात से करते हैं कि जो वर्साय की संधि थी वो विश्वासघाती संधि थी। दूसरी बात क्या है कि उस पर क्या है कि वो सिर्फ जर्मनी के ऊपर ही थोपी गई। तीसरी बात ये कि जो आपका वर्साय जो संधि है
वो जर्मनी को मानने के लिए मजबूर किया गया, अगर जर्मनी नहीं मानेगा तो उसको युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जर्मनी को देखते हैं कि जर्मनी को चारों तरफ से घेरा जाता है और उसकी आलोचना इस आधार पर हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, फाशीवाद क्या था, इसके ये किस प्रकार लोकतंत्र, एक तरह से जो लोकतंत्र है उसकी विफलता और अधिनायक तंत्र का ही उदय के लिए कारण बनता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जैसे जर्मनी में जिस प्रकार नाचीवाद का उदय हुआ था, ठीक उसी प्रकार आपके इटली में आपका फासीवाद का उदय हुआ था। जो इटली था यहाँ पर, जर्मनी में जैसे आपका हिटलर आता है, ठीक इसी प्रकार आपका इटली के अंदर मुसोलिनी आता है। इसने भी दूसरे विश्व युद्ध के लिए काफ़ी भूमिका निभाई थी, अधिनायक तंत्र का विकास किया था और साथ ही साथ इसने क्या किया था, लोकतंत्र और पूंजीवाद को इसने दबाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ इसने दूसरे विश्व युद्ध के लिए भी जिम्मेदार था। तो इससे रिगार्डिंग जो भी आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना है तो इसकी वीडियो हमारे जो चैनल है उस पर आपको अवेलेबल मिल जाए। प्रश्न नंबर 12, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य। अब भूमंडलीकरण और जो वैश्वीकरण है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे ग्लोबलाइजेशन है। और क्वेश्चन हमारा ये है कि यह आर्थिक साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ावा देता है। तो भूमंडलीकरण जैसे कि हम जानते हैं वैश्वीकरण है कि स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति वस्तु पूंजी इनका आदान प्रदान होना, या फिर उदारीकरण की नीति 1991 के बाद देख रहे हम पूरी दुनिया में ये फैलती जा रही तेजी से। आज पूरी दुनिया के देश एक दूसरे से व्यापार और दूसरे सहयोग करने के लिए एक छत के नीचे आ रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये क्या, ये वैश्वीकरण है। ये आर्थिक साम्राज्यवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है, ये इस तरीके से बढ़ावा दे रहा है कि अमेरिका जैसे विकसित देश है तो विकसित देश क्या कर रहे हैं, आज अपनी आर्थिक पूंजी दूसरे देशों में लगा रहे हैं और उस पूंजी के जरिए क्या है, उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल कर ले रहे हैं। तो इसके और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, 20वीं शताब्दी में मानव अधिकार आंदोलन की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, विवेचना कीजिए। अब जो 20वीं शताब्दी में जो आंदोलन हुए हैं, हम देखते हैं पूरी दुनिया के जो आंदोलन है मानव अधिकार को लेकर ही, हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यदि हम आंदोलनों को देखते हैं तो जो जैसे विकसित देश हैं तो वो क्या है कि पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, और विश्व मानव जाति की सुरक्षा, इन सब आंदोलनों के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है। और जो आपके छोटे मोटे अल्प विकसित या छोटे मोटे देश हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो जैसे आपका भेदभाव कैसे ख़त्म किया जाए या फिर महिलाओं की सहभागिता किस प्रकार से बढ़ी जाई जा सकती है। तो इस तरीके की क्वेश्चन, इस तरीके की जो पॉइंट है वो इसमें आ रहा है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमारा वो क्या है कि नारीवादी से क्या अभिप्राय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके उदय होने के विभिन्न कारणों को बताइए। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फेमिनिज्म जो है, हमारा जो नारीवाद है वो क्या है। तो नारीवादी हम एक तरीके से हम उसको देखते हैं, उस नज़रिए से देखते हैं हम कि जो कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं। जिन स्टूडेंटों ने पोल साइंस का सब्जेक्ट भी ले रखा है फाइनल ईयर में, तो उन्होंने जेएन टिगनर के नारीवाद पे विचार पढ़े होंगे, तो वो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। और या नहीं किया है तो आप हमारे वीडियोस को देख के कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्यों, किन कारणों से हुआ, आपको वो सारे कारण भी उसके अंदर अवेलेबल मिल जाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न प्रावधानों को बताइए। तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। यदि हम विश्व स्तर पर बात करते हैं तो जो यूएनओ द्वारा किए गए आपके सम्मेलन है, चाहे जो वो स्टॉकहोम सम्मेलन हो, पृथ्वी सम्मेलन हो, या आपका रियो सम्मेलन हो, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो, पेरिस सम्मेलन हो, जो भी आपके पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए सम्मेलन किए गए वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए। और वो क्या किए गए हैं, क्या नहीं किए गए, तो ये कदम आपको बताने। साथ ही साथ देशों की जैसे पर्यावरण नीति होती है वो नीतियाँ क्या है, इसके बारे में भी हमें इसके अंदर जिक्र करना है। तो इसकी वीडियो भी आप हमारी अवेलेबल है, उसमें आप देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट नोट का, जिस पे आपको टिप्पणी करनी है। जो गुटनिरपेक्षता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता का उदय किस प्रकार हुआ, या फिर आपको उससे रिगार्डिंग जो भी पता है आप शॉर्ट नोट में वो सारी बातें लिख सकते हो कि कितने सम्मेलन हो गए, क्या है, क्यों उदय हुआ, किन कारणों से हुआ और इसके क्या परिणाम निकले, क्या भूमिका निभाई, सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो। दूसरे आपका हिरोशिमा और नागासाकी, तो इसके अंदर क्या है कि ये जापान के जो दो शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, इस पर दो बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, इसके बारे में जिक्र करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, इसके बारे में आपको इसके अंदर बताना है कि क्यूबा अमेरिका के पास बसा हुआ द्वीपीय देश था जिस पर सोवियत संघ ने क्या किया था, अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी।
और इसके बाद ही आपका लीग ऑफ नेशन है। हमारी इन सारी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई है, आप उसे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल है, ग्लासनोस्ट प्रास्तुकारी है। ये क्या है कि ये जो सोवियत संघ का विघटन होने वाला था, तो जो वहाँ के अंतिम महासचिव थे जिसका नाम था गोरबचेव, मिखाइल गोरबचेव, उन्होंने जो दो नीतियाँ चलाई थी, एक खुलेपन की और पुनः संरचना की, तो उसका जिक्र है। इसके साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, वो क्या था, ये जापान के पास बसा हुआ एक द्वीपीय देश, जापान की एक राजधानी है, उसी का है ये क्योटो। वहाँ पर एक सम्मेलन होता है, उसी सम्मेलन को बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये क्वेश्चनों को जरूर कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और भी आपकी जो वीडियो जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, हिंदी हो गया, और पार्ट्स के जो पार्ट वन पार्ट टू के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ हैं या और भी सॉल्यूशन की वीडियो वो अवेलेबल है, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं।